स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल लॉन्स पार्ट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करा था, जिसमें मैंने तीन क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करे थे। तो उन तीन क्वेश्चंस में हम लोगों ने तीन तीन पार्ट्स वगैरह थे, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में, और फर्स्ट में हम लोगों ने 5 पार्ट सॉल्व करे थे। आई होप आप सब लोगों ने वो बढ़िया से देख लिए होंगे, और अगर आपको उनमें कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर और एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। 3 तरह का ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन दैट एच सी एफ यहाँ पे दे रखा है हमें दो नंबर का, यहाँ पे 306 और 657 का 9 दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, और हमें पूछा जा रहा है फाइंड एल सी एम। हमें क्या फाइंड करना है, एल सी एम फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये चीज़। तो हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा था, सेकेंड का ये, तो उसमें हम लोगों ने वेरीफाई करना था हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो एच सी एफ एक चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन नंबर्स का हम लोग क्या यहाँ पे ये नंबर्स हैं हमारे पास, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एच सी एफ और एल सी एम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, एल सी एम फाइंड करना है। तो एल सी एम किसका फाइंड करना है, 306 इंटू 657 का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिवाइड करेंगे हमारे एच सी एफ के साथ, एच सी एफ किसका, एच सी एफ 306 और 657 का। जी जी करनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर हम लोग अपना एल सी एम 306 और 657 का इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 9 का 9 3 का 27, और यहाँ पे 3 बच गया 36 हो गया, 9 4 का 36 हमारे पास क्या निकल के आ गया, 34 इंटू 657। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इससे पिछले वाली वीडियो में हर एक जो पार्ट हमने सॉल्व करे थे, जितने भी पार्ट सॉल्व करे थे हम लोगों ने क्वेश्चंस के, आगे फर्दर क्वेश्चन को यहाँ पे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनको पार्ट्स में डिवाइड करा गया था फर्दर। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, स्प्लिट करेंगे 34 को 30+4 में। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, एक तो 0 ही आ गया, 7 3 का 21 होता है, तो 1 2 का चल गया, 5 3 का यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो गया, 17 7 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 19710 प्लस 74 का कितना होता है, 28, तो 8 आ गया, 2 कैरी हो गया, 54 का 20 और 22 हो गया, तो यो कैरी का मिला के 2 फिर से कैरी हो गया, तो 64 का यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
24 और 2 कैरी 26, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 8, 2 और 1 3, 6 और 7 फिर से 3, 1 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पे फिर से, तो 1 + 1 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, 2 2 3 3 8, तो ये हमारे पास एलसीएम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम किसका, 306 इंटू 657 का क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 2 2 3 3 8, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है, तो उसको आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कैलकुलेशंस को, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कैलसी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, अगर कैलसी मेरे पास होता तो मैं खुद ही यहाँ पे आपके लिए चेक कर देता इसको, तो आपको चेक कर लेना है कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो आई होप ये कैलकुलेशंस हम लोगों ने जो करी हुई हैं सही होंगी, मोस्ट प्रोबेबली सही ही है मेरे को लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें से आपको बाद में पता चलता है कि उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे कैलसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह होती है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपली क्या करेंगे, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूँ एक, जब हम लोगों ने एग्जांपल्स करी थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो एक फिर से एक क्वेश्चन आया हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 6 रेज टू पावर n, ऐसे है ये, 6 रेज टू पावर n कैन वी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये बोल रहा है कि 6 की पावर जो n है, क्या वो कभी भी किसी भी n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो किसी भी इसकी पावर नेचुरल नंबर में है, तो मान लो किसी भी पावर के लिए क्या इसका जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो एंड करेगी डिजिट 0 के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या, सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन देंगे तो हम लिखेंगे वी हैव क्या, यहाँ पे हमारे पास 6 रेज टू पावर n, वेयर वेयर n क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 2 3 और अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक, n क्या है हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, इसको अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 6 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 2, 6 रेज टू पावर 3, उसके बाद में एंड सो ऑन 6 रेज टू पावर n तक जाएगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 रेज टू पावर 1 6 हो जाएगा, 6 रेज टू पावर 2 की बात करें 36 हो जाएगा, 6 रेज टू पावर 3 की बात करें तो 216 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, कोई एक्स नंबर निकल के आ जाएगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्स नंबर आएगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 6 रेज टू पावर n में क्या कोई एक्स नंबर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे का मैं, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, बीच में मैं लाइन लगा देता हूँ नहीं तो आपको डाउट ही रहेगा, नेक्स्ट मैंने इस साइड लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर हो जाएगा इससे, 6 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0, इसके साथ एंड कर रहा है, 6 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट, किसके साथ एंड कर रहा है, 6 के साथ, 0 के साथ नहीं, 6 के साथ कर रहा है, इट नैव इट
never ends with digit 0. क्या बोला मैंने यहाँ पे कि फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट 6^n एंड्स विद डिजिट 6, इट नेवर एंड्स विद डिजिट 0. यहाँ पे आप देख सकते हैं किससे एंड कर रहा है, 6 के साथ एंड कर रहा है, जे हमारा 0 के साथ एंड नहीं कर रहा है. तो इसी चीज़ को हम लोग किससे भी क्लियर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी देखेंगे. लेट्स टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6^n की टू प्रूव. क्या प्रूव करना चाहते हैं हम लोग, प्रूव दैट इट डज नॉट एंड विद 0. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको मैं प्रूव करूँगा कि इसका जो लास्ट का डिजिट है, ठीक है, वो 0 नहीं होता है. तो कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए. अब यहाँ पे क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, फिर 3 के साथ जाएगा तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6^n इज क्या है, 2 एंड 3. यहाँ पे आ रही है 2 और 3 आ रही है, बट लेकिन एक चीज है ना यहाँ पे, व्हाट फॉर फॉर अ नंबर टू एंड विद 0. अगर किसी नंबर को एंड होना है डिजिट 0 के साथ, तो उसमें क्या होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन 2 एंड 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ये मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 क्यों होने चाहिए. तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लाइन लगा के लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पे मिनिमम नंबर बताइए जिसमें लास्ट में 0 आता हो, तो जिसमें 0 से एंड हो रहा जो. तो सबसे पहला मिनिमम क्या है हमारे पास, 10 नहीं है, 10 देख लेते हैं. 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 * क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. अब यहाँ पे 20 देख लीजिए, 20 की करिए, 2 10 फिर से 2 5. देखिए 2 * 2 और 5 आ ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 5. 30 करके देख लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है, 2 * 15 3 से जाएगा अब यहाँ पे तो 5. ये देखिए 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है. तो बेसिकली अगर किसी भी नंबर को एंड होना है किसके साथ, डिजिट 0 के साथ, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यहाँ पे एक सेकेंड रेज करना पड़ेगा, ई नहीं आएगा यहाँ पे. Hence the prime factorization.
किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन? आंसर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n. डू नॉट कंटेन. डू नॉट कंटेन या डू नॉट हैव भी लिख सकते हो, कंटेन और हैव लिख सकते हो. हैव 5 एज प्राइम फैक्टर. क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैंने बोला द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n डू नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर. इसमें 5 तो है ही नहीं है, क्या क्या है? 2 और 3 ही है. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर फोर 5 यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो किससे एंड हो, 0 से. अगर 0 से एंड होना है तो 2 और 5 होने चाहिए दोनों, लेकिन 5 यहाँ पे है ही नहीं है. तो हम बोल सकते हैं देयर फोर, क्या बोल सकते हैं? देयर फोर, देयर फोर नो, देयर इज, देयर फोर देयर इज नो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा? एन, एन दे रखा था ना हमें किसी भी नंबर के लिए, फॉर विच, फॉर विच क्या? फॉर विच 6 raised to power n एंड्स विद डिजिट 0. आई होप अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा जी. एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा स्टार्टिंग से. क्या बोल रहा था यहाँ पे कि हमें क्या फाइंड करने को बोला इन्होंने कि प्रूव करिए कि ऐसा कोई नंबर है, चेक करना हमें कि जिसमें 6 raised to power n, n क्या है? नेचुरल नंबर है. तो इस 6 की किसी भी पावर के लिए क्या कोई ऐसा नंबर निकल के आएगा जो एंड हो रहा होगा 0 के साथ? तो हमने कैसे प्रूव करना स्टार्ट करा? सबसे पहले तो मैंने एक सिंपल सा मेथड यहाँ पे लिया मैंने कि इसकी पावर 3-4 पावर लेके चेक कर ली. मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, तो देखा कि एंड हो रहा है 6 के साथ. तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम अवब इट इज़ क्लियर दैट, अवब ये है, इसके नीचे ये स्टेटमेंट आएगी ना, इट इज़ क्लियर दैट 6 raised to power n एंड्स विद डिजिट 6 के साथ एंड हो रहा है. इट नेवर एंड्स विद डिजिट 0, कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा. इसको आप करके देख सकते हैं. ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? मैंने सभी के लिए तो चेक नहीं करा था. बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. इस पैटर्न में ये क्या है? 6 आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी. अब कुछ बच्चे इस पर डाउट जताएंगे, तो इसलिए मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रूफ करके बताया. तो मैंने बोला यहाँ पे लेट्स टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n टू प्रूव दैट इट डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ली प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 और 3 होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n इज 2 and 3. 2 and 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं. आप ऐसे लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n इज, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इज यहाँ पे लिख लीजिएगा इज 2 into 3 raised to power n, ऐसे करके लिख लीजिए, ये थोड़ा ठीक रहेगा. ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. इस चीज़ को यहाँ पे आप काट दीजिएगा. ठीक है, ये आ गई हमारे पास. बट फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट 0, अगर किसी नंबर को एंड होना है डिजिट 0 के साथ, इट मस्ट कंटेन 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन. उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए? इट मस्ट कंटेन 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है हमारे पास. हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n डू नॉट कंटेन या हैव 5 एज प्राइम फैक्टर. 5 इसमें प्राइम फैक्टर नहीं है. देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 raised to power n एंड्स विद डिजिट 0. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया. आई होप अब आपको ये बढ़िया से क्लियर हो गया होगा. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है हमें यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है वाई 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13, और दूसरी टर्म क्या है? 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये ऊपर टर्म में लिखी हुई ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. अब इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका क्या होते हैं. मैंने बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ये मैंने बढ़िया से आपको बता रखा है ऑलरेडी.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे देखते जाइएगा, वी हैव यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बीच में लाइन लगा रहा हूँ दोनों को बारी बारी, एक को इस साइड करूँगा एक को इस साइड करूँगा, सेवन मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 जे है। तो इसको हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू, x किसके बराबर है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है ये मान लिया मैंने। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने x के बराबर मान लिया है ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा 13 को कॉमन लूँगा, 13 को कॉमन लूँगा तो क्या बीच में क्या बच जाएगा, इधर से 13 कॉमन लूँगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और 13 की जगह क्या पे लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, क्योंकि 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 13 ही आ जाएगा, प्लस बीच में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये चीज़ लिख दी मैंने। अगेन अगेन क्या कर रहा हूँ मैं, लेट ए इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, ये चीज़ मैंने अगेन लेट कर ली कि ये ए के बराबर है। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 13 इंटू ए। अब जब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूँगा ठीक है, तो हम बोल यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फैक्टर्स की बात हो रही है ना, फैक्टर्स लिखेंगे ना, प्राइम फैक्टर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग तो कंपोजिट यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, तो देयरफॉर फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे एक्स के फैक्टर, एक तो हो जाएगा हमारे पास 13, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा ए। अब अगर मैं इसको ए को आगे जाके इनको मैं तोड़ के लिखता हूँ तो और भी हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन चार तो हमारे पास हैं, तो यहाँ से हमें पता चला देयरफॉर एक्स इज कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर यहाँ पे क्या हैं कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि x भी इसका फैक्टर है a भी इसका फैक्टर है, तो यहीं पे अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे बोल सकता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, a की वैल्यू ना मैं ऐसे मान लेता हूँ निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगी, मान लेते हैं ए कितना 10 निकल के आ जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट कर भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप करके देख लीजिए 11 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 निकल के आ रही है ठीक है, तो 13 इंटू 78 निकल के आ रही है हमारे पास यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इसको फैक्टर्स में देखूँ, एक 13 होगा, एक 78 खुद होगा और एक 1 भी होगा ठीक है। अब इसको अगर मैं इसके फैक्टर्स देखना चाहूँ, 13 तो होने ही वाला है यहाँ पे, 78 भी होने वाला है यहाँ पे, 1 भी होने वाला है। अभी 78 को देखेंगे तो ये किसके साथ जाएगा, 3 के साथ भी चला जाता है 78, देखिए कितने सारे फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से हम ला रहे कितने फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे 13 एक हो गया, 78 एक हो गया, अब 78 3 से भी चला जाता है, 3 भी फैक्टर्स बनेगा इसका, 1 भी हो गया, 4 तो मैंने आपको गिना दिए, अभी और भी बन निकल जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने ना कोई कैलकुलेशन करनी है ना कुछ करना है, सिंपली इस तरीके से दिखा देना है कि इसके फैक्टर्स इतने हैं। अब यहाँ पे सेम इसके लिए लिखेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बहुत बड़ी टर्म ले रखी है यार, प्लस 5। इसको क्या करेंगे, लेट
एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स ले रखा है ना ऑलरेडी, तो बाई ले लेते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना, तो बाई को ले लेते हैं यहाँ पे। लेट वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5 इसके बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वही है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन, क्या 5 कॉमन लेने वाले हैं, क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे 5 की जगह पे 1 आ गया क्योंकि इसको कॉमन ले लिया। अगेन अगेन लेट बी इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 5b। फैक्टर्स ऑफ y अगर देखें तो क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, एक y खुद आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक b आ जाएगा, चार तो मैंने यहाँ पे गिना दिया आपको, तो देयर फोर y इज कंपोजिट नंबर। रीज़न यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं इसमें, क्योंकि पहले वाले में मैंने लिख दिया है, तो सेम रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, मैंने प्रॉपर आपको बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है। इसको यहाँ पे अगर आप करके देखना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 78 हो जाएगा, तो 13 इंटू 78 करिए, कोई बच्चा 13 इंटू 78 करिएगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकल के आएगी, तो इसको अगर मैं 13 के साथ करता हूँ यहाँ पे, 13 इंटू 78 करिएगा जो आपकी निकल के आएगी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें देख लीजिएगा कि कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें इतना बड़ा इसको सॉल्व करके, या सिंपली जैसे मैंने ये लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन सही होगा, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा ये वाला वे क्योंकि ये वाला ईजी है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारी एक्सेस देके एंड हो जाएगी और यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देयर इज अ सर्कल पाथ, बोल रहे हैं कौन सा पाथ है, सर्कल पाथ है मतलब बिल्कुल कोई गोल पाथ है हमारे पास, तो सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। इतना बढ़िया सर्कल तो मैं नहीं बनाता लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। स्पोर्ट फील्ड में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट्स लेती है क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए 1 राउंड ऑफ फील्ड, इसका मतलब एक चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे ये कोई सोनिया, यहाँ पे सोनिया कितना लेती है 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि कितना ले रहा है यहाँ पे, रवि टेक्स कितना ले रहा है यहाँ पे, रवि ले रहा है 12 मिनट्स। सपोज द स्टार्ट, सपोज दे यहाँ पे आएगा, दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ये क्या करते हैं एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब यहीं से क्या करेगा, इसी पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करेगा। रवि कितना लेता है कंप्लीट करने में, 12 मिनट्स लेता है, ठीक है, ये मिनट्स ले रहे हैं यहाँ पे, MIN लिख देता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्टकट, ठीक है। रवि क्या करता है इस सर्कल का चक्कर काटने में, ठीक है, इसका इन्होंने क्या करना है, चक्कर काटना है यहाँ पे, ठीक है, इसका चक्कर काटना है, तो रवि एक चक्कर काटने में 12 मिनट ले रहा है और सोनिया ले रही है 18 मिनट, इसका मतलब रवि की स्पीड क्या है, ज़्यादा है चक्कर काटने की, ठीक है। क्या पूछा गया जा रहा है हमें यहाँ से, ठीक है, चक्कर तो काट लेंगे ये, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद में ये दोनों फिर से सेम इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ से रवि चला तो रवि क्या आएगी, यहाँ से पहले निकल जाएगा, ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो रवि क्या करेगा, पहला चक्कर 12 मिनट्स में कंप्लीट करेगा, ये कितने लेगी 18 मिनट्स ले लेगी। अब रवि फिर से एक चक्कर मारेगा 12 में, ठीक है, और ये अभी कभी बीच में ही होगी क्योंकि रवि आगे निकल गया होगा, ठीक है, तो रवि फिर चक्कर मारेगा, रवि एक चक्कर फिर से 12, अब ये कहाँ पर पहुँची होगी, ये हमें देखना है कि ये दोनों आके सेम यहीं पर मिले, ठीक है। अब जब पहला मान लो पहले चक्कर में रवि ने जब चक्कर मारा तो सोनिया का, जब सोनिया यहाँ पे पहुँची होगी तो रवि कहीं यहाँ पे पहुँच गया होगा क्योंकि आगे निकल गया होगा, अब जब अगले चक्कर में चलेंगे
तो सोनी अभी यहीं पे होगी, रवि यहीं कहीं पे पहुंच गया होगा, फिर हो सकता है रवि यहाँ पे पहुंच गया और सोनी अभी यहीं पे हो, ठीक है। फिर जब सोनी यहाँ पे होगी तो रवि अपना पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि क्या है जल्दी चल रहा है, क्योंकि रवि को एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, लेकिन सोनिया को कितने लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फाइन क्या करना है, अब क्वेश्चन आता है ये कि हम एलसीएम फाइन करेंगे या एचसीएफ फाइन करेंगे, ठीक है, फाइन क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइन करने वाले हैं, हम इन दोनों की ना मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू लेने वाले हैं यहाँ, इन दोनों की मिनिमम कॉमन फैक्टर लेने वाले हैं जिस पे ये दोनों आके वैल्यू यू यहाँ के यो इस पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने वाले हैं इन दोनों का, कि जहाँ पे आके ये दोनों क्या करें, वो मिनिमम वैल्यू देखने वाले हैं, इनकी मल्टीपल देखने वाले हैं जो इनको ये डिवाइड करता हो, इसको यहाँ पे आके ये क्या हो जाएं, यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाएं। तो यो वो वाली ये वैल्यू जो हम लोग लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे इन दोनों की, एक मिनिमम वैल्यू लेने पर लेने वाले हैं, मान लो एक्स वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि कब आके ये मिलेंगे दोबारा। तो पहली जो इनकी वैल्यू होगी ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी ना, हम देखने वाले हैं कि दोबारा कब मीट होने वाले हैं ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं जिससे ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, जो इन दोनों का क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो वो कौन सा हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में टाइम टेकन, बाई सोनिया है ना वहाँ पे, सोनिया टू क्या करने के लिए, ड्राइव वन राउंड, वन राउंड ऑफ फील्ड कितना लेती है सोनिया, सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स, यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे टाइम टेकन, यहाँ पे मैं, यहाँ पे सेम यही चीज़ लिखनी है, टेकन बाई रवि लिखना है सिर्फ, यहाँ पे रवि टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड लिखिएगा। तो वो कितना लेता है यहाँ पे, 12 मिनट्स लेता है, ठीक है, वो कितने ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। अभी हमें पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्ट, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, 18 और 12 का। अब 18 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 12 है तो 6, फिर से 2 तो 3 आ गया, 3 से करेंगे तो 1 आ गया, 2 से करेंगे 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे तो 1 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 18 की कितनी आ गई हमारे पास निकल के, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 की क्या आगे निकल के, 2 इंटू 3। यहाँ पे हम इनकी पावर देखने वाले हैं, एलसीएम में क्या होती है, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है इसमें। और 3 की देखूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर है, इसमें तो 1 है, इसमें कितनी है, 2 है। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आगे वो कितनी, 2 का 4 और 3 का 9, 4 इंटू 9, 36 मिनट्स। हैंस हैंस दे टेक दे टुक 36 मिनट्स टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 36 है ये क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का। देखिए 12 को अगर देखोगे तो 12 3 का, 36 और 18 2 का, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि रवि ने कितने तीन चक्कर काट लिए थे और इसने के सोनिया ने कितने चक्कर काटे थे, दो चक्कर काटे थे। ठीक है, तो वो आपस में आके उसके बाद में आके मिल जाते हैं, इससे पहले ये नहीं मिल पाएंगे कभी भी। आप करके देख लीजिए, इसने दो चक्कर काटे तो ये 36 पे पहुंची, इसने तीन चक्कर काटे तो ये 36 पे पहुंचा। अगर इसके दो चक्कर कटाता मैं तो ये 24 ही पहुंचता, लेकिन ये एक चक्कर में 24 कहाँ पहुंचता। ठीक है, चलना तो चक्कर तो पूरा काटना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए इसका भी मिनिमम क्या आ रहा है, 36, और इसका भी 36। तो ये हमें कैसे पता चला, एलसीएम से पता चलता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो हम आपके कमेंट्स का प्रॉपर आंसर करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू गाइस।